फिट ट्यूबर मेरे भाई, कैसा है? एकदम फिट लग रहा है। अरे तूने भी एकदम बॉडी वॉडी बना ली यार, देख रहा हूँ मैं इंस्टा पे। सुन ना यार, इतना धूप हो गया, कुछ अच्छा सनस्क्रीन विंस्क्रीन बता ना। सनस्क्रीन? अरे वो वाला ले लेना जो उस दिन मॉल में देखा था, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और 1200 का तो है। अच्छा ये लो, 1200 का, 1200 ओनली। अबे तेरे को क्या लगता है मैं अम्बानी परिवार से हूँ? 2 हफ्ते से गाड़ी में तेल नहीं डाला मैंने, इधर मतलब वड़ा पाव और चाय में तो गुजारा कर रहा हूँ मैं। तो क्या तू क्या बोलता है 1200 का सनस्क्रीन लूँ? अबे उतना तो मेरा स्किन भी नहीं है, आधे से ज्यादा दाढ़ी है, इतने के लिए 1200? अच्छा ठीक है, टेंशन ना ले, अभी बताता हूँ। गर्मी आ चुकी है और इस वक्त जो एक चीज़ आपकी डेली स्किन केयर किट में होनी चाहिए वो है सनस्क्रीन। लेकिन क्या हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए? सूरज इस धरती पे लाइफ और एनर्जी का सोर्स है, मगर सन एक्सपोजर का भी एक वक्त होता है। भारत की गर्मियों में दोपहर 12 से 4 बजे तक सन रेज बहुत हार्श होती हैं और इस टाइम पे सन से प्रोटेक्ट करना ही हमारे लिए सही है। स्पेशली पिछले कुछ सालों से जब एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा है, इसलिए अगर आप इस टाइम फ्रेम में धूप में लगातार बाहर निकलते हैं तो सनबर्न, टैनिंग, प्रीमैच्योर एजिंग और कुछ रेयर केसेस में स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसलिए या तो खुद को अच्छे से कवर करिए या एक नेचुरल सनस्क्रीन लगाइए। लेकिन ये शॉकिंग है कि मार्केट में मौजूद ज्यादातर सनस्क्रीन्स में इतने जहरीले केमिकल्स डाले जाते हैं कि जो स्किन में पेनिट्रेट कर उसे डैमेज तो करते ही हैं, बल्कि विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को भी रोकते हैं, जिसका सन एक मेजर सोर्स है। तो क्या चॉइस है हमारे पास? ऑब्वियसली हम घर पे तो बैठे नहीं रह सकते, स्किन को सन की हार्श रेडिएशन से भी बचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक टॉक्सिन सनस्क्रीन यूज करना सही नहीं। आइए तो फिर पता लगाते हैं इस गर्मी भारतीय मार्केट में अवेलेबल बेस्ट सनस्क्रीन्स जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं और हमारी जेब पे भी भारी नहीं पड़ती। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। बेस्ट नेचुरल सनस्क्रीन को ढूंढने के लिए मैंने लगभग 15 सनस्क्रीन्स उठाई, कुछ सुपरमार्केट से और कुछ ऑनलाइन। इनके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक करने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जो सनस्क्रीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो ही सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। मैंने कुछ लेटेस्ट लॉन्च सनस्क्रीन्स को भी चेक किया और उन सभी के इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से मैंने इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा है। आइए बात करते हैं कैटेगरी नंबर 1 की, जिसमें आती हैं सनस्क्रीन्स बाय VLCC, लैक्मे, लोटस, जॉय, गार्नियर, निविया और वैसलीन। इन सभी सनस्क्रीन्स में सबसे चीप और टॉक्सिक केमिकल्स डाले गए हैं। इनमें से कितने केमिकल्स थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को रोकते हैं? कुछ केमिकल्स स्किन में पेनिट्रेट कर बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। शॉर्ट में कहूं तो ये सनस्क्रीन सबसे ज्यादा बेकार है। ये एमवे की एटीट्यूड सनस्क्रीन्स में भर भर के 12 हार्मफुल केमिकल्स डाले गए हैं। इनकी मार्केटिंग से बच के रहें। अगर आप इनमें से कोई भी सनस्क्रीन यूज कर रहे थे तो प्लीज अभी चेंज कर दीजिए। ये सनस्क्रीन्स आपके लायक नहीं है, क्योंकि इनमें मौजूद टॉक्सिक सिंथेटिक केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कॉस्मेटिक कलर्स आपकी स्किन को प्रोटेक्ट नहीं बल्कि डैमेज करेंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, जिसमें आती हैं सनस्क्रीन्स बाय बायोटेक, पतंजलि और हिमालय। ये सनस्क्रीन्स खुद को नेचुरल और आयुर्वेदिक होने का दावा करती हैं, लेकिन अपनी पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट को बताने से कतराती हैं। बायोटेक ने अपनी बायो सैंडलवुड सनस्क्रीन में सिर्फ 30% इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन किए हैं, बाकी 70% इंग्रेडिएंट्स कहाँ हैं? क्या ये लोशन सिर्फ इन जड़ी बूटियों को मिक्स करके बनाया जा सकता है? गुमराह करने वाली बात है। पतंजलि तो इससे भी ऊपर निकला, सिर्फ 5% हर्बल एक्सट्रैक्ट्स डाले हैं और बाकी का क्रीम बेस जिसमें क्या है हमें पता नहीं, और साथ में यूरिया, कॉस्मेटिक कलर और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। अभी भी इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन कह के बेच रहे हैं। हिमालय प्रोटेक्टिव सनस्क्रीन लोशन भी इसी कैटेगरी में ही आता है। 2-3 हरी पत्तियां डाल दी, आयुर्वेदिक ग्रंथ का रेफरेंस दे दिया और फिर ऊपर से वही हार्श प्रिजर्वेटिव्स। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मेरे सामने कुछ और भी ऐसे ही लेटेस्ट लॉन्च सनस्क्रीन्स आई जो खुद को नेचुरल कहने का दावा करती हैं, लेकिन जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स को चेक करते हैं तो इनकी असलियत सामने आ जाती है। दोस्तों, इन सो कॉल्ड नेचुरल सनस्क्रीन से बचें जो एक्चुअल में टॉक्सिक ही हैं। सो दोस्तों, ये सारी सनस्क्रीन्स आपको फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाएंगी, फिर चाहे इनका SPF नंबर कुछ भी हो। SPF यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर वो पैरामीटर है जिससे पता चलता है कि आपकी सनस्क्रीन आपको UV रेज से कितना अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। सिंपल लॉजिक ये है कि अगर आपकी स्किन 10 मिनट में बर्न होने लग जाती है तो SPF 15 सनस्क्रीन लगाने से आपको लगभग 150 मिनट तक प्रोटेक्शन मिलेगा। बहुत से नेचुरल ऑयल्स का भी SPF होता है, लेकिन क्योंकि SPF नंबर कम है तो प्रोटेक्शन टाइम कम है, इसलिए
रेगुलर इंटरवल्स पे लगाना पड़ता है लेकिन सेफ है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि ज्यादा SPF होना बेटर है। पहली बात तो ये कि SPF 50 से SPF 100 तक UV रेज प्रोटेक्शन में कोई खास फर्क नहीं है। एक दूसरा बड़ा फैक्टर है हमारी स्किन टोन। आपकी स्किन टोन जितनी लाइट होगी उतना ही सनबर्न के चांसेस बढ़ेंगे। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जहां लोगों की स्किन बहुत गोरी होती है उन्हें सनस्क्रीन की और हाई SPF नंबर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जनरली कहें तो भारतीय स्किन टोन के हिसाब से 15 से 20 SPF काफी है। अगर बहुत ही लाइट स्किन टोन है तो 25 से 30 इससे ज्यादा तो वेस्ट ही है। लेकिन क्वेश्चन वही है, कौन सी सनस्क्रीन? क्या ऐसी कोई सनस्क्रीन है भारतीय मार्केट में जो सही मायने में नेचुरल हो, जो हमें जेन्युइनली दोपहर की यूवी रे से प्रोटेक्ट करे? जी हाँ, कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें मैंने कैटेगरी नंबर 3 में रखा है। सनस्क्रीन बाय अरोमा मैजिक, द मॉम्स कंपनी, स्वरस एनर्ज और जस्ट हर्ब्स बिल्कुल नेचुरल है। आप खुद इनके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं। जैसे अरोमा मैजिक सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन, पैराबेंज या हार्श केमिकल्स नहीं डाले हुए। इसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल नेचुरल हैं और सेफ हैं। अरोमा मैजिक सनस्क्रीन ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्मुलेशन में काफी वेरिएंट्स में आती है, बोथ लोशन और जेल की फॉर्म में। आप कोई भी अपनी पसंद से यूज कर सकते हैं। प्राइस वाइज भी काफी इकोनॉमिकल है। फिर द मॉम्स कंपनी की सनस्क्रीन भी मिनरल बेस्ड है और अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखें तो ये 100% नेचुरल और टॉक्सिन फ्री है। स्वरस से निव्र एक बहुत ही इंप्रेसिव प्रोडक्ट है भारतीय मार्केट में। SPF 21 ये बना है हाई क्वालिटी एसेंशियल ऑयल्स और बटर से, इसलिए बहुत कम ही लगाना पड़ेगा। नॉन नैनो, डेली यूज के लिए फिट, ये सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। जस्ट हर्ब्स का सन नेल होहोबा ग्रेप सीड मॉइस्चराइजिंग लोशन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जस्ट हर्ब्स नो सन वीट जर्म जेल यूज कर सकते हैं। दोनों ही 100% नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। सो दोस्तों, ये चारों सनस्क्रीन 100% मिनरल बेस्ड हैं। मिनरल बेस्ड ये क्या है दोस्तों? ये जानना यूजफुल है कि सनस्क्रीन दो तरह की होती हैं। पहली केमिकल बेस्ड और दूसरी होती है मिनरल बेस्ड। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, कुछ ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल स्किन के पोर से पेनिट्रेट कर जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। कैटेगरी नंबर 1 और 2 की सनस्क्रीन केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करनी है तो बिल्कुल सेफ केमिकल्स होने चाहिए जो मुझे किसी भी सनस्क्रीन में नहीं मिले। मोटे तौर पे कहूं तो अगर आपको सनस्क्रीन में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलें तो प्लीज उसे ना यूज करें। वहीं मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे नेचुरल ऑक्साइड्स को इस्तेमाल करते हैं जो स्किन पे एक लेयर बना लेते हैं और यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जहां केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन को बनाना बहुत आसान है, वहीं मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन को फॉर्मुलेट करना टफ होता है। इसीलिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन बिल्कुल सेफ है। सो हमेशा मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन ही चूज करें। आज कुछ कमर्शियल ब्रांड्स भी मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन बनाने लगी हैं, जैसे ये लोटस ऑर्गेनिक्स की। देखिए प्राइस में ये बहुत हाई है लेकिन इंग्रेडिएंट्स में इन्होंने वही कॉस्मेटिक कलर्स को ही डाल दिया है, इसलिए ये चार सनस्क्रीन्स मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस हैं और आप इन्हें अपनी पसंद और स्किन टाइप के हिसाब से खरीद सकते हैं। मुझे बताने में खुशी हो रही है कि ये चारों सनस्क्रीन भारतीय ब्रांड द्वारा ही बनाई गई हैं। मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है वो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है। किसी भी बेस्ट कैटेगरी में मेंशन ब्रांड ने मुझे पे नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि मैं इस अपडेटेड वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करूं तो प्लीज एक लाइक जरूर दे देना। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।